हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कन्या राशि के बारे में। जी हाँ, मैं आपको कन्या राशि के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर कोई कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको काफी मजेदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध है। इस राशि में जन्मे लोग पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं। विवेकशील होना इनके व्यक्तित्व की विशेष खासियत होती है। ये बहुत ही मेहनत करने वाले होते हैं। जो कुछ भी जीवन में ये अर्जित करते हैं वो सब कुछ अपने मेहनत के दम पर करते हैं। इनमें गजब की मैनेजमेंट स्किल्स होती है। ये परिस्थिति में अड़िग होकर खड़े रहते हैं। इनका दृष्टिकोण समीक्षात्मक होता है, जिसके कारण ये बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं, जिसके चलते लोग इनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं। ये अपने जीवन में व्यवस्थित होकर रहना पसंद करते हैं। इन्हें सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। ये बहुत कुशल और व्यवहारिक होते हैं, जिसके कारण इनके ज्यादा मित्र भी बनते हैं। ये न्यायप्रिय होने के कारण निष्पक्ष रूप से बहुत ही संतुलित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। कन्या राशि के लोग बहुत ज्यादा ईमानदार और स्पष्टवादी भी होते हैं। हालांकि कई बार इनका व्यवहार इन्हीं के खिलाफ हथियार बनता है। इनके अधिक सोचने की आदत कई बार इनको फंसा देती है और इनका मजाक बना देती है। कई बार ये सही होते हैं, लेकिन लोग इनके पक्ष को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे में ये हथियार डाल देते हैं और अवसादग्रस्त होने लगते हैं। ऐसे हो सकता है कि इनके जीवन में जब ये छोटे होते हैं तो उन्हें काफी संघर्ष देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये ग्रो होने के लिए शुरू करते हैं, इनका जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है और तमाम सुख सुविधाओं को जुटने में और भोगने में ये सक्षम हो जाते हैं। कन्या राशि के लोग अध्ययनशील और समीक्षात्मक होते हैं, इसलिए ये जातकों में भाषण और लेखन के साथ संवाद स्थापित करने में भी महारत हासिल होती है। कन्या राशि के लोग लेखक या पत्रकार के रूप में करियर बना सकते हैं। इस राशि के लोग पैसा खर्च करने के मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये धन के प्रति बहुत सावधान रहते हैं और हमेशा जितना संभव हो सकता है उतना बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग पहले ही सभी लागत की योजना बना लेते हैं। खर्चा करने की बात आती है, ये लोग ज्यादा खर्चा करने के इच्छुक नहीं होते। हालांकि समय समय पर खुद के लिए कुछ अच्छा खरीदने की चाह ये हमेशा रखते हैं। कन्या राशि के लोग हमेशा सेवा करना और दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। इनकी ये प्रवृत्ति कार्यस्थल पर इन्हें बहुत मदद दिलवाती है। हर चीज की बारीकी से आकलन करना इन्हें कार्य में कुशल बनाता है। ये चीजों को अच्छे से मैनेज में करते हैं। इन्हें कुर्सी पर बैठकर करने वाला काम ज्यादा पसंद आता है। कन्या राशि के लोग उत्कृष्ट सलाहकार होते हैं और एक समस्या को कैसे हल करना है इसके बारे में बखूबी जानते हैं। कन्या राशि के लोग अपनों का अधिक ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक केंद्रित रहते हैं। रोमांटिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये अपने साथी को प्यार और उनकी देखभाल के नजरिए से देखते हैं। कन्या राशि के लोगों को बहुत व्यवस्थित और संतुलित जीवन शैली जीने वाले लोग पसंद आते। को बेवजह के दिखावे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये बनावटी दुनिया से हमेशा दूर रहते हैं। ये अपने साथी में पूर्णता की खोज करते हैं, जिससे उनके संबंधों में कई बार खटास भी पैदा हो जाती है, लेकिन ये अपने संबंध के प्रति समर्पित रहते हैं। इस राशि के लोग हर चीज सलीके से और व्यवस्थित देखने के आदि होते हैं, इसलिए ये अपने साथी पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ये देखकर इनका साथी कई बार रुष्ट हो जाता है और इनके जीवन बिताने के बारे में पुनर्विचार करता है। इन राशि के लोगों के लिए ये सलाह है कि आपको अपने जीवन साथी के भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। इनके लिए बुधवार बहुत ही शुभ होता है और इन्हें सफेद, पीला और जंगली हरा कलर पहनना चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कन्या राशि के लोगों के लिए। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव लवली डे एंड नाइट।
बाय गाइस।